उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं थोड़ा मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा मुझे आज फ्रूट्स लेना थे और थोड़ी सब्जी लेना थी और थोड़ी ग्रॉसरी शॉप जाना था। सुबह से सोच रही थी जाने की, तो आज बेटा स्कूल गया हुआ था तो अभी बस सोकर उठा था वो। तो बच्चे इतने दिन बाद स्कूल जाते हैं तो थोड़ा चिड़चिड़ापन भी करते हैं, तो मैंने उसे थोड़ी देर सुला दिया था। वीडियो वही मेरी शूट करता है तो फिर मैंने उसे बहुत कहा उससे उठ जाओ, तो फिर उठा। तो फिर मैं अभी थोड़ा जा रही हूँ। और वैसे तो सब्जी वाला घर पर ही आ जाता है, लेकिन कभी कभी मैं मार्केट जाके खुद भी ले आती हूँ, थोड़ी आउटिंग भी हो जाती है और रेट भी पता चल जाता है कि मार्केट में क्या रेट हो रही है, मुझे क्या रेट दे रहा है। तो चलिए देखते हैं अब मैं क्या क्या लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो मैं यहाँ से अमरूद ख़रीद रही हूँ। मुझे थोड़े जो होता है ना ग्रीन ग्रीन, वो अमरूद पसंद होते हैं, और मेरे हस्बैंड को थोड़े सॉफ्ट पसंद होते हैं, तो मैं दोनों मिक्स करके ले रही हूँ। और प्राइस इसका 50 रुपीज़ केजी है, तो ठीक है प्राइस। तो मैंने यहाँ से अमरूद ख़रीद लिए हैं। लासा स्मार्ट से मैंने कुछ सामान तो मुझे नहीं लेना था, बट मुझे कश्मीरी राजमा का एकदम ध्यान आ गया, तो मैंने सोचा कश्मीरी राजमा ले लूं, क्योंकि कश्मीरी राजमा सिर्फ लासा मार्ट में ही मिलता है रामपुर में, और कहीं नहीं मिलता, वाइट वाला राजमा मिलता है। मैंने सोचा कि यहाँ से राजमा ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर के पास भी ये मार्ट खुला है, तो वहाँ पर भी राजमा जो है कश्मीरी नहीं मिलता, मुझे राजमा कश्मीरी वाला ही पसंद है, रेड वाला छोटा वाला, तो मैंने वही लिया। अच्छा जाओ तो फिर ये लगता है कि कुछ और भी ले लो, तो मैंने थोड़ा बहुत सामान भी ले लिया, फिर ये लगा मुझे ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो मैंने एक दो चीज़ें और ले ली। शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, अब मैं सब्ज़ी ख़रीदूँगी। चलिए चलते हैं, हम सब्ज़ी वाले के पास आ गए हैं। तो मैं इसे गोभी का रेट पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरा सब्ज़ी वाला 70 रुपीज़ केजी दे रहा है, यानी कि 70 रुपये किलो दे रहा है वो, और मुझे यहाँ 50 रुपीज़ केजी मिल गई, यानी कि 50 रुपये की 1 केजी। तो अब मुझे यहाँ गोभी भी अच्छी है इनकी, और इनसे मैं लेती रहती हूँ ज़्यादातर। ये पहले लॉकडाउन में होम डिलीवरी भी कर रहे थे, तो खीरा लिया मैंने यहाँ से, कुछ टमाटर लिए मैंने और आलू लिए, तो सब में रेट डिफरेंस होता है, और आज भी रेट डिफरेंस था, क्योंकि वो मुझे थोड़ी महंगी दे के जाता है, बट वो आता भी तो है देना, ये भी है, बट इनके पास भी फ्रेश थी सारी सब्ज़ी। चलिए चलते हैं, ले ली मैंने सब्ज़ी।
अब मैं मिट्टू भाई की शॉप पर आ गई हूँ, शबाद गेट पर है। बहुत पुरानी दुकान है इनकी, पहले वहाँ पे देख ले पे, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर कर ली। तो मैं इनके से सौंफ लेती हूँ, इनके की मीठी सौंफ जो होती है ना वो खाने में बहुत अच्छी होती है, मुझे कहीं की भी पसंद नहीं आती, इन्हीं के की पसंद आती है। तो मैं हमेशा इनके से सौंफ लेने आती हूँ, और भी जो भी सामान अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अच्छा लगता है ले लेती हूँ। सुपर मार्केट आ गई हूँ, तो मुझे केक के मेजरमेंट वाले स्पून्स लेना थे, तो इनकी समझ में तो ऐसे आ नहीं रहा है, तो मैंने इन्हें फिर फ़ोटो दिखाया तो इनकी समझ में आया, तो बोले हैं मेरे पास, तो मैंने वही लिए। और मुझे कुछ कॉफ़ी मग लेना थे और सीज़र लेना थी, और कुछ छोटा मोटा सामान था मुझे लेना, जैसे कि क्लिप वगैरह लेना थे मुझे, अपने क्लचर लेना थे, और तो मैंने यही सब यहाँ से सामान लिया। तो मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा था, तो मैं जो भी सामान लाई हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों से। फ्रेंड्स, अब मैं घर आ गई हूँ और जो जो लाई हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।